ये है 2022 की विटारा ब्रेजा मारुति सुजुकी की, बाकी बेहतरीन तरीके से गाड़ी बना रही है। लाइट्स आप देख रहे हो, एलईडी का डुअल प्रोजेक्टर आता है इसमें, लो बीम हाई बीम दोनों ही एलईडी है और वो प्रोजेक्टर है। ऐसा कुछ डीआरएल दिखते हैं ये आपको अच्छे डिज़ाइन के लग रहे हैं। बाकी जो फॉग लैंप है वो भी एलईडी है। फ्रंट डिज़ाइन अच्छा है, ग्रिल वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं इन्होंने, जो फेसिया है गाड़ी का। बाकी ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें जो क्रोम वगैरह आप देख रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेसरीज़ है, वो मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा डिफरेंशिएट करके। गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा ऐड हो गया है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये रहा फ्रंट कैमरा। साइड प्रोफाइल ऐसी कुछ दिखती है, 16 इंचेस के एलॉय हैं, डिज़ाइन चेंज कर दिया है मारुति ने, और जो साइज़ है, विड्थ है, वॉल है, साइड वॉल, वो सारी चीज़ें सेम है। टेल लाइट देखें तो ऐसा कुछ ये दिखता है, एलईडी का स्ट्राइप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड का बैच दिख जाएगा। और जो कहते हैं ना कि फीचर वो सारे ही हैं क्योंकि टॉप वेरिएंट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता है। ZXI प्लस ऑटोमेटिक डुअल टोन है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 13,96,000 रुपये इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट की है, और इससे नीचे फिर काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं, ये टॉप एंड है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता है। पीछे 4 पार्किंग सेंसर आते हैं, बाकी आपको कैमरा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये है। और बाकी ये सब जो आप पार्ट देख रहे हो ये एक्सेसरीज का है। गाड़ी थोड़ी सी ऐसे ज़्यादा SUVs और लग रही है क्योंकि जो ब्लैक पार्ट है वो अब ज़्यादा हो गया है गाड़ी में, आप देख रहे हो ये जो क्लैडिंग है इसको ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है मारुति ने, तो ये इस वजह से और थोड़ी ऊँची ऊँची सी लग रही है। हालांकि डायमेंशन में कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है, सिर्फ हाइट जो है वो 45 mm के अराउंड बढ़ गई है, उससे थोड़ी सी उठी हुई लग रही है गाड़ी, और हेडरूम भी मे भी थोड़ा सा इंप्रूव हो गया हो, वो जब हम रियल वर्ल्ड में टेस्ट करेंगे तब बता देंगे, उसके लिए यार गाड़ी चाहिए होती है और मारुति गाड़ी भाई देते हैं नहीं। बाकी ऑटोमेटिक इसमें वाइपर नहीं आता है, हेडलैम्प जो है वो ऑटोमेटिक है, क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो भी ऑटोमेटिक है, बाकी जो गाड़ी है वो भी ऑटोमेटिक है। अब इसमें 6-speed का ऑटो आने लगा है, पहले 5-speed का ऑटो आता था और 6-speed मैनुअल आता था, बट अब जो ट्रांसमिशन है वो 6-speed ऑटो हो गया है और इंजन वगैरह सेम है, ट्यूनिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है। ब्रेजा की आप देख लो लगे हाथ, इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा, बस लॉक अनलॉक है, काफ़ी सिंपल लग रही है, इसको चेंज की जरूरत थी। और अब मैं बात करता हूँ कि मेजर चेंज जो है लाइक SUV वगैरह और 360 डिग्री कैमरा वगैरह, इसको बंद कर देते हैं क्योंकि काफ़ी शोर आ रहा है। काफ़ी सारे जो आपको पार्ट्स हैं वो आपको बलिनो और XL6 वाले शेयरिंग वाले मिलेंगे। हाँ, बंद हो गई। इवन ये जो स्क्रीन देख रहे हो आप, ये 9 inches की है, ये भी वही सेम यूनिट है जो आपकी बलिनो में आती है टॉप मॉडल में, और किस में आती है, और आती है टोयोटा की, कौन सी गाड़ी है यार अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये सारे मतलब कि इवन की ये जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है ये भी आपका यूनिट सेम मिलेगा, काफ़ी सारे पार्ट्स शेयरिंग है। स्टेयरिंग व्हील ऊपर लेदर रैप्ड है, इवन नीचे भी आधा रैप्ड है, और ये बाकी ये गार्निश वाली चीज़ें लगी हुई हैं, अच्छी लगती है, काफ़ी स्पोर्टी है ये। यहाँ पे आप ये इसका यूनिट देख सकते हो कि फॉग नॉट डिटेक्टेड, हाँ अब ऑन हो गई। तो ऐसा कुछ इसका ये दिखता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी आपको आ रही है, एक तरफ टैकोमीटर है, स्मार्ट हाइब्रिड का इसमें बीच में ये लगा रखा है इन्होंने, एक तरफ स्पीडोमीटर है, लो फ्यूल आ रहा है, बाकी यहाँ से इसको आप चेंज वगैरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, चेंज करने के लिए यही है, यहाँ पर स्टिक दे रखी है, यहाँ पर एटलीस्ट ये बटन दे देते स्टेयरिंग का तो और अच्छा लगता। जो स्टेयरिंग है इसको आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही वे में एडजस्ट कर सकते हो आप, ये ऊपर नीचे ही होती थी पहले, बट अभी आगे पीछे भी हो गई है, तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ करा है मारुति ने, जो अलग अलग हाइट के लोग होंगे उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ हो गई। आपको सारे फ़ोन वगैरह के कंट्रोल हैं, इधर वॉल्यूम वाला, इधर क्रूज़ कंट्रोल आता है, बीच में काफ़ी बेहतरीन सुजुकी का लोगो इन्होंने लगा रखा है। और एक बार हम इधर देख लेते हैं, तो यहाँ पे चारों पावर विंडो हैं, जो ड्राइवर वाला है वो ऑटो है, बाकी भी हम कंट्रोल करने के लिए फोल्डेबल भी है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो HUD आता है, इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन है, ऑटो स्टॉप है, ट्रैक्शन कंट्रोल करने के लिए, और ये लेवलर है, और ये ब्राइटनेस के लिए। बाकी एक बार इसका HUD देख लेते हैं, और आई थिंक आपको लो फ्यूल की वार्निंग दिख रही होगी क्योंकि मेरे को भी वही दिख रही है। इसको चेंज करना होगा तो यहाँ पे बटन दे रखा है ऊपर नीचे का, लेट्स सी क्या क्या आता है। पोजीशन, ओके, ये तो पोजीशन चेंज हो रही है, हाँ यहाँ पे आ रहा है, देखो ये डिजिटल स्पीड आ रही है, पी दिखा रहा है टाइम, और ये अलग सा आ गया, फिर ये बैटरी से रिलेटेड आ गया, टैकोमीटर वाला आ गया, 2, 3, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 तरीके का इसमें दिखा रहा है आपको SUV। वर्चुअल तो बड़ा, वो क्यों नहीं आ रहा है साइड व्यू वाला, हाँ ये आ गया ना, फिर चला गया। देखो
इलेक्ट्रॉनिक आयर भी हम आता है यहाँ पे, आप लाइट देख सकते हो, सनग्लास होल्डर दे रखा है। अब ब्रेजा में सनरूफ भी आ गया, बहुत बड़ा तो नहीं है ये, लेकिन अपना काम बखूबी कर देगा। यहाँ से आप ये इसका बटन वगैरह देख सकते हो, ये है काफ़ी बेहतरीन तरीके से खुल जाता है ये, और निकले ना आप इसमें से चलती गाड़ी में एटलीस्ट, और ऐसा ही बंद भी हो जाता है, बाकी रिट्रैक्ट हो जाता है और आपको बंद इसको हाथ से ही करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो लाइट दे रखी है, मिरर दे रखा है, और लाइट यहाँ पे भी आती है। इस तरफ आपको लाइट और मिरर नहीं मिलेगा, बट एक टिकट होल्डर है, बाकी रूफ लाइनर है, अच्छा है ये आप देख सकते हो। और IRVM है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है। बाकी यहाँ पे AC कंट्रोल है, वायरलेस चार्जर आता है, ये टॉप वेरियंट है, ZX5+ ऑटोमेटिक, इससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप वायरलेस चार्जर देख सकते हो, और 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB है, ये आप एक USB देख सकते हो, और यहाँ पे ये जो फिर के लिए वो दे रखा है ऑटोमेटिक का, ये है। बाकी मैनुअल हैंड ब्रेक है, ट्विन कप होल्डर है, यहाँ पे स्पेस है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्पेस यहाँ पे भी डिसेंट साइज की है, कुछ और डीप होती तो और अच्छा लगता। बाकी जो अपोल्स्ट्री है वो फैब्रिक है, लेदर नहीं है, जो हेडरेस्ट है एडजस्टेबल आते हैं चारों ही। बाकी यहाँ पे ये हैंडल दे रखा है, इस तरफ कुछ नहीं आता है, ऐसी कुछ ये फिनिश है, जो ये वुडन वाली फिनिश है, पूरे ही डैशबोर्ड पर आपको दिखती है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार पे सारी चीज़ें सपोर्ट करता है, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये भी अपना काम कर लेगा। बाकी एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने ये कर रखी है कि यहाँ पे शॉर्टकट के लिए टच वाले दे रखे हैं। बटन होते तो और अच्छा लगता, लेकिन टच भी ठीक है। कई बार आपको क्या होता है कि आप ऑन द गो होते हैं, तो बटन रहता है एटलीस्ट वॉल्यूम और दो तीन चीज़ों के लिए, तो वो हैंडी हो जाता है काफ़ी। बाकी ऐसा ऐसा दिखता है कुछ AC का पैनल, ये भी अच्छा लग रहा है, ये अप डाउन करोगे तो आप टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेगा। ग्लव बॉक्स और देख लेते हैं, ये भी अच्छा खासा साइज का है, इसमें आपको आई थिंक एयर कॉन वेंट भी है, तो ये कूल्ड होना चाहिए, लाइट भी है इवन, देखो। स्टेयरिंग व्हील पे आपको पैडल शिफ्टर भी दे रखा है, अब तो आप मैनुअली इसको यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं, इधर हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, ऐसा कुछ स्टेयरिंग व्हील दिखता है, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी प्यारा ये दिखता है। बाकी अगर डोर पे देखिए तो यहाँ पे आपको ये सॉफ्ट फैब्रिक मिल जाएगा पूरा, जो कि ब्राउन कलर में, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। बोतल स्पेस है, थोड़ी सी और स्पेस है, और ऐसा तो कुछ ये दिखता है ओपनर। बाकी ओवरऑल अच्छा है ये, जो सीट की एडजस्टमेंट है इसमें आप अपनी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, और आगे पीछे और एक लाइन भी हो जाएंगी। बाकी ऐसा डेड पेडल है यहाँ पे, और ऑटोमेटिक है, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें। फ्यूल और बोनेट के लिए यहाँ पे दे रखा है। बाकी जी एक बार रियर देख लेते हैं कि वो कैसा क्या है। ये एक्सेसरीज है, एक अलग वीडियो बना दूंगा एक्सेसरीज के ऊपर। एक चीज़ जो मैं मिस कर दिया वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वो एम्बियंट लाइटिंग है। अब गाड़ी में एम्बियंट लाइटिंग भी आने लगी है, ये पूरा सॉफ्ट है, ये होल्ड करने के लिए स्टडीज है, बाकी पावर विंडो यहाँ पे आते हैं। एक्सेसरीज लगे हुए हैं तो कंफ्यूज मत होना, मैं ये रेड इंसर्ट जो आप देख रहे हो एक्सेसरीज है, ये एक्सेसरीज है, ये स्किट प्लेट एक्सेसरीज है, और मतलब ORV में भी एक्सेसरीज है, ये एक्सेसरीज है, एक्सेसरीज है, ये सब एक्सेसरीज है, ये एक अलग ही वो हो गया। बाकी आप ये देख सकते हो साइड क्लैडिंग अब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है पहले से, तो एक थोड़ा माचो बुच्ची लुक देती है गाड़ी को, वो एक अच्छी बात भी है, काफ़ी लोगों के लिए बुरा भी हो सकता है। ऐसा कुछ फॉग लैंप है, इसमें आप LED का प्रोजेक्टर आता है, ये जो क्रोम की गार्निश है ये भी एक्सेसरीज है। मैं काफ़ी बार एक्सेसरीज बोल दूंगा, सॉरी। बाकी व्हील हैं, ये न्यू डिज़ाइन में पहले ऐसे नहीं आते थे, 16 inches के हैं, 215/60 सेम साइज़ है। इवन जो स्पेयर व्हील है वो भी सेम साइज़ आता है, बट वो स्टील व्हील है, ये अलॉय व्हील है। बाकी ऐसा तो कुछ ये दिखता है, इनका डिज़ाइन आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके बताइए। पीछे ड्रम ब्रेक आता है, बाकी ऐसा कुछ ये है। एक बार बूट देख लेते हैं, जो कि 328 लीटर का है आई बिलीव, और अच्छा खासा इसमें भी आपको कैपेसिटी मिल जाएगी। पार्सल ट्रे आती है स्टैंडर्ड, ये टॉप वेरियंट है, ZX5+। साइड प्रोफाइल आप यहाँ से देख सकते हो, जो ये वाला ग्लास है ये बड़ा हो गया पहले से, तो गाड़ी ऐसे लगेगी आपको थोड़ी सी एक सेगमेंट बड़ी है, बट सेम है, 4 meter के अंदर अभी भी आती है। बाकी ये जो आप क्रोम की लाइनिंग देख रहे हो ये भी एक्सेसरीज है। जो रूफ रेल्स है ये स्टैंडर्ड है, और उधर 60-pin एंटीना है। बाकी ऐसा तो कुछ ये रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर डोर पर दोनों ही। बाकी इसको एक बार बंद करके आपको पीछे का दिखा देता हूँ मैं, कि पीछे से कैसी दिखती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कैमरा आता है ये, और 360 degree कैमरा आता है गाड़ी में। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हो कैमरा है, और ORVM पे जो आप ये फिनिश देख रहे हो एक्सेसरीज का पार्ट है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। बाकी ओके अंदर से ही दिखेगा अंधेरे में, और राइट पीछे आ गए हैं तो ये देखो दिख रही है, लेट मी स्विच टू द नॉर्मल। हाँ ओके, तो खोल लेता हूँ मैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है, और अब अच्छे से आपको दिखेगा। अब रियर में आ गए हैं तो रियर की बात कर लेते हैं। मेरी हाइट 5'10" है, डिसेंट स्पेस है, सीट पीछे नहीं जाती है, और ये वाली आई थिंक मेरे हिसाब से एडजस्टेड है ऑलमोस्ट। बाकी यहाँ पे आप ये देख सकते हो मैगजीन होल्डर है,
हुक दे दिया है, 4 किलो वजन आप इसमें लगा सकते हो। पीछे एसी वेंट आता है और चार्जर है वो एक यूएसबी है और एक नॉर्मल है और एक टाइप सी है। और अब एसी वेंट भी आ गया है पीछे। बीच में ट्रांसमिशन टनल है तो 3 लोग उसी हिसाब से आप देख सकते हो कैसे बैठेंगे। और ये एक्सेसरीज का पार्ट है अगेन सेम, इवन की जो सीट बेल्ट है इसको भी आप हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये देख रहे हो आप, बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा जिसमें कि ट्विन कप होल्डर है और 60-40 में ये स्प्लिट हो जाती है सीट। कोई है क्या? और 3 लोग बैठ जाएंगे। मेरी फिजिक के हैं तो क्योंकि मैं भाई पतला ही हूँ, देखो पसीने आ रहे हैं बेहतरीन वाले क्योंकि अभी बारिश हुई है और रुक गई है तो गर्मी तेजी से हो रखी है। ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये भी एक्सेसरीज है और जो सीटिंग वगैरह है वो ठीक है, फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री है तो उसी हिसाब से है। बाकी यहाँ पे हैंडल और हुक है सेम विद अनदर। और ये आप देख सकते हो एम्बेड लाइट दिख रही होगी आपको हल्की हल्की यहाँ से। बाकी जो डोर है इस पर फैब्रिक लगा रखा है इन्होंने तो ये सॉफ्ट है पूरा। तो जी अब 6 स्पीड ऑटो के साथ इसमें आपको पैडल शिफ्टर भी आ गए हैं जो कि आप देख रहे हो, ऑटोमेटिक में ही मिलेगा और मैनुअल में ऑब्वियसली पैडल शिफ्टर क्या ही करेंगे आप। तो ऐसा कुछ ये दिखता है, बाकी सारा ही बेहतरीन तरीके से इंटीरियर है। ये जो वुडन फिनिश दे दी है ये प्रीमियम फील होती है और जो सनरूफ है वो भी अच्छा लगता है। बाकी जी ये थी ब्रेजा ZXI डुअल टोन टॉप वेरिएंट, आपको कैसी लगी बता दीजिएगा नीचे। अगर पहली बार आए थे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, यहाँ पे गाड़ियों की वीडियोज आती हैं। और यार सपोर्ट कर दो, मतलब कर दो शेयर वेयर, कुछ रह गया हो तो नीचे कॉमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी गाड़ियों की वीडियोज आती हैं, मे भी पहले भी आ जाती हैं, सो कर दो नीचे लिंक है।